सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सर्वं गुरु प्रसाद मुकुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बथरो सुने जो काल कृपा कराए। सम्मान योग गुरु रोग साथ संग जी हो दो कर जोड़ फते प्रवान करने वाहिगुरु जी का आयुषा वाहिगुरु जी की फतेह। रस बिना कीर्तन आप श्रवण कर रहे थे, इस कीर्तन ने इस वक्त जो कुछ विचारां बख्शिश कीतियां ना, मैं थानू सुनाने की कोशिश करांगा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की एक पंक्ति बार बार दिमाग के सामने आई है। वडहंस राग देश साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने एक बड़ा ही बिरहे का गीत गाया है। उस विच एक अस्थाई पंक्ति है, सुपने आया भी गया मैं जल भरिया रोए आए न सका तुझकन प्यारे भेज न सका कोए। साहिब कन झलक वेखी है उसकी सुपने विच, कुछ नेड़ता उसकी महसूस होई है सुपने विच, पर सुपने की दुनिया ऐसी उत्थे किसी को भेजा नहीं जा सकता। कोई चिट्ठी पत्र दे नाल संदेशा आ जा नहीं सकता सुपने की दुनिया। और गुरु अर्जन देव जी महाराज का प्रमाण जागन ते सुपना भला वसीए प्रभ संग कर देखो प्रभ अपना आत्म ते हर रंग। ऐसे जागने नालों वो सुपना चंगा है जिस सुपने विच कुछ आत्मक रंग होवे कुछ गल होवे। तो हम छोटी जी हमें विनय कर रहे हैं, जे जिंदगी दे तीन भाग कर दी कर दईए जीवन दे ता एक हिस्सा एक तिहाई बंदे दा सुते ही लग जांदा सौंके। और इतनी कीमती जिंदगी इतनी महान ते जीवन कला ये सुते ही लंघ जाए गुरबाणी नूं प्रमाण नहीं। इस वास्ते सतगुरु की बाणी कहिंदी है तू सुतियां दे नाम जप उठत बैठत सोवत नाम तू जप सुतियां दे। उत्थे इक तर्क खड़ी हो जांदी है भी चलो उठदियां बैठदियां ते गल समझ च आई सुतियां किस तरह जपी सौं के किस तरह जपांगे नींद चले गए जागृत अवस्था ते है ही नहीं ते सोने देश नींद देश प्रभु चिंतन किस तरह करिए। ते गुरु नानक देव जी महाराज कहने इतनी कीमती जिंदगी सुतिया क्यों लंगे तो क्या सोइए नहीं नहीं सोना है। शरीर नु एक विशेष नींद चाहिए एक दाए दी पर सहज कहन तू नींद देश भी चिंतन कर तू नींद देश भी जाप कर तू नींद देश भी उसकी उस्तति कर। तो तर्क जरूर खड़ी होवेगी भी नींद देश किस तरह नाम जपिए। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इस संबंध जिहड़ियां मैनू पंक्तियां लगियां ने वो तशरीह मैं थोड़े सामने करा। कि साढ़े देश दे धार्मिक ज्ञानियां ने महापुरुषां ने
जो खोज की थी उस नतीजे से पहुंचे ने एक गल वखरी है कि अजोके मनोविज्ञानिक ही कहते हैं। साढ़े रेस के ऋषि मुनिया का कहना है कि दिन भर जागृत अवस्था विच जो काम मनुख ने करना चाहिया से नहीं हो सकिया रात नूं सुपने विच करेगा, क्योंकि दिन भर उसकी भटकना से, दिन भर उसकी चाहत से ऐ गल हो गए, ऐ काम हो गए, तो उसने संस्कार अंदर इतने प्रबल बन गए रात नूं ओ काम सुपने विच हो गए। और धार्मिक चिंतन करने वाले पुरुष कहने अगर रात नूं सुपने विच ना होवे तां दिमाग विच इतना उबार जमा हो जाएगा, हो सकता है मनुख अपना दिमागी तवाजन ही खो बैठे। तो कुदरत ने एक वसीला बना रखे है कि ओ काम फिर बंदा रात नूं सुपने च करदा। वो काम की है, ये मनुख की जागृत अवस्था ते कुछ पिछले संस्कारां दे ते मुनस्सर है कि अंदर बीज केड़ा पे है, उस बीज ने सुपनिया नूं जन्म देना। साहिब कहिंदे ने सुत्या तू इतनी जिंदगी लंघा छड्डे, इते जीवन नूं एवें मिट्टी विच रोलना। एक नवा जन्मिया बच्चा वालमन 18-19-20 घंटे सौंदा सुता ही रहिंदा, सहजे सहजे वड्डा हुंदा फिर नींद घटदी। एक साल दा हो गया हुण 12-13-14 घंटे सौंदा, होर 2-3 साल दा हो गया घंटा 1.5 घंटा होर नींद घट गई है। जवान हो गया फिर भी 7-8 घंटे 6 घंटे नींद चाहिदी। सहजे सहजे उम्र दे वधन दे नाल नींद घटती है। नवा जन्मिया बच्चा ज्यादा सौंदा, सुता ही रहिंदा सारा दिन सारी रात, उहनूं नींद चाहिदी है। नींद दे विच ही प्रफुल्लत होवेगा। पर कुदरत ने इंतजाम कर रखे है उम्र दे वधन दे नाल नींद घटती है, लेकिन फिर भी ये जिहड़ी नींद है ये बचपने जवानी ते बुढ़ेपे दी सारी जो है जमा करिए तो जिंदगी का एक तीजा भाग सुतियां ही लंघ जांदा, सौं के लंघ जांदा। तो साहिब कहिंदे ने सुतियां क्यों लंघे, तो क्या सोईए ना, नहीं सोना है, पर सोने नूं सफल करना है। सुतियां भी नाम जपना है, किस तरह जपी है, पवित्र सुपनिया नूं जन्म दे। तुसी आखोगे पवित्र सुपने कोई साडे वस दी गल है, नहीं मनुख दे वस दी गल है। ईरान दा प्रसिद्ध संत शेख सादी कहा करदा सी भी एक रात दे सुपने अगर कोई मैनू दस दे आ के भी रात नूं मैं केड़े सुपने वेखे ने, तो शेख सादी साहब कहिंदे सन मैं दस दियांगा इह बंदा चंगा है या माड़ा है, शरीफ है या बदमाश है, चोर है या भगत है। कहिंदे मैं सुपनिया तो ही दस दियां, सिर्फ वह ईमानदारी नाल दस दे कि मैनू सुपने की आए रात नूं। और सुपनिया नूं एवें ना समझ लेना, इतनी मैं अर्ज कर रहा, इन्हां दा बकायदा बीज है, इन्हां दा साडी जिंदगी नाल तल्लुक है। जागृत अवस्था विच जो घटना घटती है ते स्वप्न अवस्था विच जो घटना घटती है इक्को जिहा असर दिमाग ते पैंदा और संस्कार बणदे ने। जागृत अवस्था विच किसे मनुख ने चोरी कीती है भय है, अंदर डर है, पर जे किधरे सुपने च भी करे भय ते डर उदों भी हुंदा। जागृत अवस्था विच किसे ने कतल कीता है, भजिया करदा है, छुपन की कोशिश करदा है, पर जे सुपने च कीता है तां भी भजिया करदा, शरीर की हालत उही कुछ हुंदी है। जागृत अवस्था विच जो दुराचार कीता है ते जो शरीर की हालत बनी है सुपने विच भी उही बनदी है। और इसके तत् कटे गए बकायदा, दुराचार विच
जो जागृत अवस्था विच हालत है शरीर दी सुपने च ही होई है, कोई फर्क नहीं है। ते जब सुपने दा दुराचार भी जागृत अवस्था जैसा ही है तो कर्म ते समान ने, चाहे सुपने च कीते जान चाहे जागृत अवस्था च कीते जान, और दोहां दा फल इको जिहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक जाग के कीता है, एक सौ के कीता है, बस इतनी अर्ज कर दे। सौ के सुपने विच केड़े कर्म होंदे ने जिहड़े जागृत अवस्था विच अधूरे रह जांदे। दिन भर कुछ चाहत सी, ये होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं हो रहा, रात नूं सुपने च करेगा। किसे नूं इसने मारना चाहिया सी, नहीं मार सकिया, रात नूं सुपने च मारेगा। किसे नूं इसने ठगना चाहिया सी, नहीं ठग सकिया, रात नूं सुपने च ठगेगा। दिन भर इसकी कोशिश थी कि मैनूं गुरु चेते आवे, बाणी दा रस मिले, नहीं गल बन सकी, रात नूं सुपने च बनेगी। कुदरत ने इंतजाम कर रखे, परमात्मा ने बकायदा इंतजाम कर रखे। तो सुपने विच जिसनूं कुछ झलक पवित्रता दे दिखाई दे रही है, साहिबां दी बाणी कहिंदी है ओह मनुख भी कोई मामूली मनुख नहीं, बड़ी वड्डी गल है। क्योंकि पवित्र सुपने भी पवित्र संस्कार तो पैदा होंदे ने, ते पवित्र संस्कार पवित्र सोचां तो, पवित्र कर्मां तो, पवित्र चाहत तो ही बनदे ने, इंज नहीं बनदे। चंगी तरह मैनूं याद है साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक स्थान है महानदी के कंडे उड़ीसा दे, जगन्नाथपुरी तो थोड़ी जी दूरी ते। मैं सूरज प्रकाश की कथा करता सी शाम नूं, तो मेरे नाल दे बड़े उगे संत जिन्हां कोल मैं गुरबाणी व्याकरण पढ़ता सी सौ जाते सन संगत दे जी रात दे वक्त। गल एक दिन मेरे मुंह निकल गई, मैं कहा बाबा जी जब तुसी सौ ही जांदे हो तो फिर कमरे चले जाया। कहन लगे नहीं बैठना तो मैं संगत च है। तो मैं सिर्फ दस मिनट बैठ दे तुम नहीं दब जाती गए, जाके सौ जाया करो। कहन लगे नहीं, कथा सुनदिया सुनदिया सोना है। मैं कहा जब सौ गए ते फिर फर्क की पै जांदा है, भावे इत्थे सोवो ते भावे कमरे च सोवो। दो गल्लां मैनूं कहियां, कहिण लगे कथा सुनदिया सुनदिया सूरज प्रकाश की कथा विच इतिहास है, सिर्फ गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का सारा इतिहास चलदा उत्थे। कहिण लगे जद इह साखियां मैं सुनदा तां इस साखियां की झलक रात नूं सुपने च बणदी। ऐसे वास्ते सिख जगत विच हुक्म है वी पुरखा कीर्तन सवेला पढ़ के सौ या थोड़ा जिहा गुरु नूं याद करके सौ। फिर जब मैं कहा वी इत्थे सौ गए ते कमरे सौ गए, गल ते इक्को ही, मैनूं कहण लगे ने मस्कीन जी इह गल गलत है। खेडदा खेडदा बच्चा किधरे गली च सौ जाए ते खेडदा खेडदा बच्चा मां दी गोद दे सो जाए, एक किस तरह हो सकता है, एक किस तरह मन ली। एक सड़क ते सौ गए, एक मां दी गोद दे सो गए, सुते ते दोवे ही ने, पर सोने विच बड़ा अंतर है। एक गैर महफूज है, एक हिफाजत विच। उदों ते खैर ये गल मेरी समझ च नहीं आई, पर सहजे सहजे इस गल का पता चलिया कि जागृत अवस्था विच जेड़ा भैड़ा कर्म मनुख दे अंतिशकरण नूं मैला कर जांदा है, सुपने का भैड़ा कर्म भी मैला कर जांदा है। जागृत अवस्था का जेड़ा पवित्र कर्म कुछ खेड़ा दे जांदा है, मस्ती दे जांदा है, सुपने का पवित्र कर्म भी कुछ खेड़ा दे जांदा है, कुछ मस्ती दे जांदा है, कुछ रंग दे जांदा है, कुछ अनहोनी खेड बना जांदा है। और पवित्र सुपना किसे नूं आवे, समझ लो कम से कम ते मनुख मानसिक तौर ते लाजमी पवित्र है और पवित्र संस्कार पए ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस तरह दी पुरुष दी कथा साडे सामने रखदे ने, सुपने आया भी गए,
और सपना कोई बहुत लंबा तो नहीं होता, 5 मिनट चलेगा, 10 मिनट चलेगा, इतना ही है और कुछ नहीं। या नींद गई थे सपना गए, साहब कहने एक झलक वेखी सपने बच, सपना गया तो झलक चली गई, सपना गया तो वो अवस्था चली गई जो बनी हुई सी, होंगी ये छिन मात्र लंबी नहीं, दायमी नहीं, बहुत बड़ी नहीं, पर छिन मात्र है, भावे बदला भी बिजली है चमकी ते गई, लेकिन फिर भी कुछ दिखा जाती, फिर भी कुछ झलक दे जाती, फिर भी कुछ असलियत दिस पैंदी है, भावे एक सेकंड वास्ते ही ये बिजली चमक दी। सुपने आया भी गया मैं जल भरिया रोए, सुपने नु बहुत वड्डी महानता दे दी सतगुरां ने, कहिंदे ने मैं हुण जारो जार रो रहा, बई क्यों, तू जिहड़ी सुपने च मैं झलक वेखी है उहनूं किस तरह प्राप्त करा, ना मैं उत्थे जा सकदा, ना किसे नूं भेज सकदा, ना कोई संदेशा, हुण ते इक्को ही गल है जे कितने बन जाए, आओ सुभागी नींदड़िए मत सो देखा सोए, ऐ भागा भरी नींद तो ही आ ते कोई गल बने, वरना नहीं, ओ जड़ी भागा भरी नींद है उसे नूं ही गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे जागणे नालों चंगी है, जागन ते सुपना भला वसीए प्रभ संग। ईरान दा प्रसिद्ध संत हाफिज कहिंदे ने तस्बी फेरदा फेरदा अल्लाह अल्लाह करदिआं सौं गया, नींद आ गई। तो कुदरती गल है जद अल्लाह अल्लाह करदिआं मन करके सौं गया तो राती कुछ झलक बननी सी। मैं फिर अर्ज कर दिया, जिस बंदे नूं रात नूं पवित्र सुपने आंदे ने लाजमी उसके हिरदे च पवित्रता है, ते जिस नूं गंदे सुपने आंदे पए ने लाजमी भूतां प्रेतां वर गई है, बहुत भैड़ा है, बहुत भैड़ा है। बस किसी दूजे तो फैसला ना करा, अपना फैसला खुद कर, ते जे तू अपना फैसला खुद नहीं कर सकदा तो कदी कदी कुदरत तैनूं झलक दिखांदी है, तू की है सुपने विच वड्डे तो वड्डा जिहड़ा तू अनर्थ कर छड्डदा है, वह सिर्फ इतना कि सुपने च मौका बन गया, जागृत च मौका नहीं बने, तू कोई बहुत चंगा मनुख नहीं है, तो खुद ब मुनसब शुद्ध आदस कहने खुद मुनसब बन, अपना फैसला आप कर, तू की है दूजियां कोलो क्यों फैसला करना, तीजियां कोलो क्यों फैसला करना, ते जे तू अपना निर्णय खुद नहीं कर सकता तो कम से कम अपने सुपनियां नूं ते वेख सकदा, सुपने तैनूं दस देंगे तू भगत है के चोर है, परोपकारी है के ठग है, शरीफ है के बदमाश है, और सुपना निजी है व्यक्तिगत है, प्यो वेख रहा है पुत्र नूं नहीं पता, पुत्र वेख रहा है प्यो नूं नहीं पता, पति वेख रहा है पत्नी नूं नहीं पता, पत्नी सुपनिया की झलक वेख रही है पति नूं नहीं पता, निजी है बिल्कुल निजी। जागृत अवस्था च कोई कर्म करिए दूजा तीजा वेख भी सकदा, पकड़िया भी जा सकदा, बंदा चोरी की थी पकड़िया भी जा सकदा, कानून दा डर है समाज दा डर है, दुराचार कीता संसार दा डर है समाज दा डर है, लोकी की आखणगे, पर सुपने ते पूरी स्वतंत्रता, किसे नूं नहीं पता, बिल्कुल व्यक्तिगत है बिल्कुल निजी है। तो अल्लाह अल्लाह करदे आ ईरान का एक प्रसिद्ध संत हाफिज सौ गया, तस्बी फेर दिया फिर तो झलक बन गई सुपने विच, ते सुपने च खुदा कहिंदा फकीर तू कुछ मंग लै, हाफिज लिखदे ने कि मैं खुदा तो की मंगे, दीवानी हाफिज मैं उन्हां दा पढ़िया, इस बोल ने मैनूं बड़ा प्रभावित किया, कहिंदा है मकुन बेदार अजी ख्वाबम खुदारा के दारम इशरते खुशबा ख्यालस, ऐ मेरे खुदा जे तू बख्शिश दे घर दे आया है, जे कुछ देना ही चाहना है तो जिस नींद दे मैं इस वक्त कुन बेदार अजी ख्वाबम खुदारा,
मैनू बेदार ना करे, मैनू जागण ही ना दे, मैं सुत्ता ही रहा। कोई तेरी झलक दिखाई दे रही है, मैनू डर है जागांगा नहीं रहेगी, जागांगा चली जाएगी। सुपने आया भी गया, सुपना गया ते गया, झलक भी गई। मकुन बेदार गई ख्वाबम खुदारा, केदारम इशरते खुशबा ख्याल। जिन्ना सोने जिया ख्यालां नाल सुपने नाल मैं जुड़े होया, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, बड़ा रस है। ऐ खुदा जे मेहरबान ही होया तां फिर बेदार ना करें। हाफिज कहिंदा खुदा ने मेरे मस्तक ते हथ रखिया, अख खुल गई। कहिंदा उदों दा मैं उसे नींद नूं उड़ीकदा, सारी सारी रात जागदा ओ नींद आवे, सारा सारा दिन तड़पदा ओ नींद आवे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज स्पष्ट रूप च लिख दें, आओ सुभागी नींदड़िए मत सौ देखा सोए, ए भागा भरी नींद तू आ। खिमा करनी भागा भरी नींद उन्हां दी जिन्हां दा भागा भरिया जागना, जिन्हां दा जागना ही पैड़ा है, उन्हां दे ते सोना आपे ही पैड़ा। सारी रात जेडे सुपने वेखदे ने बस भूतां ही प्रेतां च रहिंदे ने, और की कोई पवित्र झलक नहीं, कोई पवित्र गल नहीं। भगत कबीर जी महाराज कहिंदे ने कि रात नूं सुते आया नींद दे च एवें बिरड़ा के कोई राम कह दे। बरड़ाना उन्हों कहने जिहड़े नींद विच बोलदे ने, कई बंदे बोलदे। मेरे नाल एक विद्यार्थी रहा पढ़दा सी, वह रात नूं नींद चलन भी लग पैंदा सी, और उन्हों जबरदस्ती पकड़ के हिला के फिर बिठाना पैंदा सी वी किधरे गिर ना जाए, ठोकर ना खा जाए। नींद चल पैंदा सी, नींद विच गालां कढ़दा सी, नींद विच क्रोधित हो जांदा सी, नींद अपशब्द बोलता। जागृत अवस्था विच कुछ ऐसे संस्कार कठे कर लेंदा सी, नींद विच फिर बोलता सी। ते भगत कबीर कहिंदे कोई नींद विच राम कह दे, ते मैं फिर अर्ज करा, नींद ही दसेगी कि ए बंदे तेरा जागना की है। सुपना ही दसेगा तेरा जागना की है। उंज बंदा अपने दिन नूं पढ़ नहीं सकदा, रात ही दस देगी तेरा दिन की है, नींद ही दस देगी तेरा जागना की है, और सुपना ही दस देगा तेरा सुचेतपना की है। बशर्ते तू खुद ब मुनसफ सो, जे तू आप मुनसफ बने, अपना इंसाफ आप करें और अपने आप नूं वेखण दी कोशिश करें। कबीर कहिंदे ने कि रात नूं सुते आया कोई सुपने विच राम कह दे, सुपने हूं बिरड़ाए के जह मुख निकसे राम निकल गया। आख्या नहीं निकल गया बिरड़ा के, तां के पग की पन ही मेरे तन को जा, ओदे पैरां दी जुत्ती फिर मेरे चमड़े दी बननी चाहिदी है। वो बाजारों ना लवे किसी पशु दी खल दी ना लवे, मैं अपने खल दी बना देंगा। बंदा ते बड़ा पवित्र है, बड़ी गल है। सुपने च राम कह देता, और सुपने दा आख्या हुआ राम इस गल दा सबूत है, कुछ गल है। नहीं ते हुण ते सुने कोई साइंस तरक्की कर रही है, मनुख दे सुपने वेखे जा सकते हैं, सुत्या की वेखदा पे और अंदाजा लाया जा सकता है केड़ी दुनिया च। शायद साइंस उस ढंग तक उस स्टेज तक मनुख नूं लै जाए जिथे मनुख दे सुपने गुप्त ना रहन। अजे ते गुप्त ने, अजे ते नाल दे साथी नूं कोई पता नहीं कि सुपने दी दुनिया च की हो रहा है। व्यक्तिगत रूप च खुद कल्ला ही मनुख वेख रहे। कादर करीम ने कुछ इस ढंग दे पर्दे रख दिते। भगत कबीर कहिंदे ने जिहड़ा राम कह ले, मैं अपने तन दे चमड़े दी जुत्ती बना के दिया, ओ
वो मनुख बड़ा पवित्र है, बहुत पवित्र है। सुने छंद दे गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक छंद है। मेरी एक आदत है, हर मनुख का इस तरह का सुभाव होंगे, कोई एक पंक्ति किसी एक विषय की मैं गुरु ग्रंथ साहब लभ पै, तो आज तो 5-7 साल पहले मेरा सुभाव होंगे बी संबंधियां होर कि पंक्तियां और केड़े केड़े पातशाह दियां ने, और जे किसी एक विषय नूं बार बार दोहराया है तो फिर कुछ गल है। अवल तो एक दफा भी जिहड़ी गल आ गई है लाजमी उस दे कुछ हकीकत है, सच्चाई है, पर जिहड़ी गल बार बार आ गई है वह तो फिर कोई खास घटना है। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, सुपने उभी भई गहो कि न अंचला, फुने छंद महला पंजवा है। साहब कहन अज असी सुपने के दो रूप हो गए, दूजा रूप अपने विचों ही प्रगट आंदा है, बाहरों ते आंदा नहीं। साहब कहन असी दो रूप हो गए, एक ते असी, एको सच्चा परिपूर्ण परमात्मा, दो हो गए। और वार्तालाप लिखते ने, कहन असी दो हो गए और असी उसनों वेख रहे सी, ते जे वेख रहे सी ते आंचल क्यों नहीं पकड़ लिया, गए हो कि ना अंचला। दरअसल पवित्र सुपना आवे ना ते इतना भी अंदर ख्याल पैदा हो जाए इस सुपने नू लंबा करना है, सुपना टूट जाएगा, उस वक्त टूट जाएगा, आंख खुल जाती, नींद खुल जाती। उस बारे की दाय सतगुरु जिक्र पै कर दें। सुपने उभी भई गहो कि ना अंचला, आंचल क्यों नहीं पकड़ लिया, सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला। वो इतना सुंदर से, वो इतना महान से, असी ते वेखण दे सी लीन रह गए, पकड़े कौन, आंचल कौन पकड़े। हुण एक कोई गल हो सकती है, बंदा वेखण दे सी लीन होवे या फिर पकड़े, ते पकड़े ते गल खत्म, आंचल हाथ आंदा नहीं और सुपना टूट जांदा, नींद खुल जांदी। खोजो तांके चरण कहो कत पाईए, हर हां सोई जतन बताए सखी प्रयो पाई। ओ जड़ा सुंदर पुरख सुपने च वेखे है, खोजो तांके चरण, साहब कहिंदे हुण जागृत अवस्था च उहनूं लभदे फिरदे, हुण जाग के उसनूं लभदे फिरदे। खोजो तांके चरण कहो कत पाईए, हर हां सोई जतन बताए सखी प्रयो पाईए। ऐसा कोई यतन दस, वो जो सुपने की झलक वेखी है वो फिर वेखी है, फिर बने। सुपने वास्ते इतनी तड़पना गुरु अर्जन देव जी महाराज दी, सुपने वास्ते इतनी व्याकुलता साहेब गुरु नानक देव जी महाराज दी। सुपने आया भी गया, मैं जल भरिया रोए, आए ना सखा तुझकन प्यारे, भेज ना सखा कोए। कुछ गल है साडे देश विच इस्त्री जगत विच एक बड़ी उगी भगतनी हुई है, जिन्हों देशवासी मीरां करके जानते। इस्लाम विच इस तरह की एक राबिया हुई है, और सनातन जगत विच ये मीरां। इस सारियां विचारां मैं इस वास्ते रख रहे हां थोड़े सामने कि कल जरूर अपने सुपने पढ़ने, जे पैड़े ने तो खिमा करनी, 30-40 साल तो जो कुछ कर रहे हो कुछ भी नहीं है, ऐवें समा जाया कीता, वक्त जाया कीता। तो खुद ब मुनसब शुद्ध पढ़ अपने आप नूं, किताब दे दित्ती है परिपूर्ण परमात्मा ने, पढ़ तू अपने सुपने की नहीं, पैड़े चंगा नहीं है। जे तू सुपने च भी चोरी कर सकदा है तो तेनू मौका मिले तू जागृत अवस्था च भी कर सकदा, जे तू सुपने च दुराचार कर सकदा है तेनू मौका मिले तू जागृत अवस्था च भी कर सकदा, जे तू सुपने च कतल कर सकदा है पर तेरे कोल ताकत ते समर्था आ जाए तू जागृत अवस्था च भी कर सकदा।
तू सुपने च किसी का सिर बन छड़े तू जागृत अवस्था च भी कर सकना अगर मौका बन जाए। वो ते तेरी जागृत अवस्था की तस्वीर है जो सुपने च झलकती पई है, जो सुपने दे सामने आउंदी पई है। धार्मिक ग्रंथ सुपने नूं ऐवें नहीं समझते, इहदा कोई बीज है, बीज तो पैदा होंदे ने, ऐवें नहीं ने, कोई गल है। तो मेरा रात दे वक्त कृष्ण कृष्ण दा रटन करदे आ सौ गई, इस तरह जैसे हाफिज सौ गया अल्लाह अल्लाह कर दे। एक होर मैं अर्ज कर दिया, सौ सियाने इको मत, मूर्खा आपो अपने। कदन दस मूर्ख आपस में सहमत नहीं होंगे, दस दी ते गल छड़ो, दो ही सहमत नहीं होंगे, पर एक हजार सियाने होन सहमत हो जाएंगे, दो मूर्ख नहीं सहमत होंगे। औगुणा औगुणा विच भेद आउंदा है, गुणा दे तल दे भेद नहीं आता, गुण समा सकते हैं, एको थां ते समा सकते हैं। इन्हू चाणक ने इस ढंग नाल प्रमाण दिता है कि एक कमरे विच एक संगीतकार संगीत की धुन छेड़ रहा है, तो कमरे संगीत मौजूद है, उत्थे दीवा जला के प्रकाश भी कर दिता गया, तो प्रकाश भी मौजूद है, उत्थे असर सेंट छिड़क के खुशबुआं भी खिलार दित्तियां गईयां ने, तो खुशबू भी मौजूद है, पर जिहड़ी सुगंधी है ये प्रकाश नूं नहीं आखदी, रोशनी नूं नहीं कहिंदी वी तूं निकल, तां मैं ठहरा, तूं क्यों इस कमरे च, मैं रहना। ते संगीत दी धुन यह नहीं आखदी वी ऐ रोशनी तूं निकल जा, या ऐ सुगंधी तूं निकल जा, क्योंकि मैं इत्थे रहना। इक्को ही थां ते संगीत दी धुन भी ठहर गई है, प्रकाश भी ठहर गया है, सुगंधी भी ठहर गई है। चाणक कहिंदे ने गुण ते गुणवान कठे हो सकदे ने, मूर्ख नहीं हो सकदा। उन्हें इत्थों दलील दित्ती, सौ सियाणे इको मत, मूर्खां आपो अपने। औगुणां दे तल ते भेद रहेगा, औगुण जुड़न नहीं देंदे, औगुण भेद रख देंदे ने, औगुण फासला कर देंदे। सहजे सहजे जो मनुख दे अंदर रब्बी गुण वधदे ने, और समुची दुनिया का यही इलाज है, होर कोई राजनीति इलाज नहीं है। इतनी मैं अर्ज कर दें, कोई समाज जात पात भी इलाज नहीं है। जात का मान ले लो, पात का मान ले लो, समाज का ले लो, मुल्क का ले लो, बोली का ले लो, कुछ समस्या नहीं हल होने लगी, अज तक तो नहीं हुई हल दुनिया दे च। ते जिस ढंग नाल हल होंदी है उस दी कोई मनुख साधना नहीं कर रहा, कोशिश नहीं कर रहा। तो मेरा इस ढंग नाल कृष्ण कृष्ण दी रट करदे आ सौ गई, जिस तरह हाफिज अल्लाह अल्लाह दी धुन करदे आ नींद चला गया सी। तो मीरा लिखदी है, सोई होती निस्मय पलंग पर, सब ज्ञान ध्यान पिया संग लाए, पलक से जब पलक लगी, पल लागत ही पल मोपिया आए। कविता दी दुनिया च इसकी छंदाबंदी भी महान है, कहिंदी ये पलकां नाल पलकां लगियां नींद आ गई, पर नींद कली नहीं आई, अपने नाल किसे नूं ले आई, जिसकी याद दे च मैं सौ गई सी वह भी आ गई। पलक से जब पलक लगी, पल लागत ही पल मोपिया आए। कदी कदाई खुशकिस्मत मनुखा नूं ऐसी नींद आउंदी है, ऐसी पागा भरी। कहिंदी है, जब उठी उनके मिल बेको, जाग परी पिया पास ना पाए। भई सोचिया भी सामने कृष्ण आ गए तो चलो चरना ते मत्था टेका। मीरा कहिंदी इतना ख्याल ही आया, अख खुल गए, इतने ख्याल में जब उठी उनके मिल देखो, जाग परी पिया पास ना पाए। मीरन और तो सोवत खोवत, मैंने सखी पिया जाग गवाए। लोकी सौ के रब नू गवा छड़ देन, मैं जाग के गवा बैठे। जे नींद होर आंदी रहिंदी
ते गल बनी रहने से। ते ऐसी मैं जागी विछोड़ा हो गया, सिलसिला टूट गया। जापदा पंजाबी दे प्रसिद्ध शायर भाई साहब भाई वीर सिंह, ये भी कुछ इस तरह की दुनिया दे चो लंघे। तदी उन्होंने अपनी कुरबानी दे जिक्र किया है, सुपने विच तुसी मिले असानू, असी धागल वकड़ी पाई, निरा नूर तुसा हाथ ना आए, साड़ी कंबदी रही कलाई। भाई साहब भाई वीर सिंह कहिंदे ने मिलाप भी होया ते सुपने च, जागृत अवस्था तड़पदे रहे व्याकुल रहे, गल बनी भी ते सुपने च, ते हुण जाग के ते असी कंबदे ही रह गए, हाथ च कख नहीं आया। क्यों के निरा नूर तुसा हाथ ना आए, तुसी ते प्रकाश तुसी ते चानना हाथ दे च नहीं आए, असी ते तड़पदे रह गए व्याकुल रह गए। भाई साहब भाई वीर सिंह नूं कदी कदाई इस तरह के पवित्र सुपनिया की झलक आउंदी सी, तदी उन्होंने अपनी कुरबाई दे कलम बंद कर छड़े कि गल बनती भी है कि सुपने से जागृत देख नहीं। पर मैं इतनी अर्ज कर दिया, जागृत जिस गल की चितवनी होवे ते पूर्ति ना होई होवे, फिर गल सुपने च बनती। और इस तरह के बहड़े सुपने वो बहड़ी चितवनी है। मैं इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। मैं सावण भादरों के दिन च 10-11 साल तक लगातार इंदौर रतलाम के इलाके च हाजरी भरता रहा। उधर ज्यादा जंगलात के ठेकेदार ने सिंह ते 2 महीने वेले आते हैं, जब बरसातां पै जांदियां बिल्कुल वेले, फिर उन्हां दी कोशिश होंदी है कि 10 महीने जिहड़े जंगलां च असीं रहिंदे आं 2 महीने सतसंग करके पूरा करिए कोटा। तो उन्हां दिनां च बहुत सारे गुणी गैणी रागी जन उत्थे पहुंचदे ने, सतसंग दीआं काफी धुम्मां उत्थे लगदीआं। रतलाम विच मैं पहुंचे आया सी, 15 दिन हाजरी भरनी सी। अंदर कमरे च रात दे वक्त मैं सौ गया, बाहर रात नूं कोई मुसाफर पानीपत दे कपड़ा वेचण वाले हिंदुस्तान विच आम घूमदे ने, मोंडे दे उत्ते कपड़े रख के ते थां थां गलियां च बेचदे ने, या शहर दे नेड़े तेड़े जिहड़े पिंड आउंदे ने उत्थे बेचण चले जांदे। किधरे अद्धी रात नूं जोर दा मीह पैना शुरू होया ते बरांडे विच वाछड़ मीह दी पैणी शुरू होई। उस सज्जन ने मैनू जगाया, कहण लगा बड़ा जोर दा मीह पैण लगा, मैं ते भेजांगा पर मेरे कोले नवें कपड़े ने, ये भी भेज जाणगे, ये मैं बेचदा, मेरी रोजी है, तुसी थोड़ा जिहा मैनू कपड़े अंदर रखण दिओ। मैं कहा कोई गल नहीं, तू भी अंदर सौ जा। खैर वो सौ गया, पर मैं देख के दंग रह गया। एक घंटे बाद उन्हें सुत्या अपनी कमीज पाड़ छड़ी, ते मैनू ख्याल आया भी कोई पागल बंदा अंदर वाड़ बैठा, इन्हें सुत्या अपनी कमीज पाड़ छड़ी और कुछ गिनती करी जाए। मैनू फिर बत्ती जलानी पई और पूछया भी तू इत्थे कमीज फाड़ छड़ी। एकदम अखां उसने मलियां, जाके कहिंदा कमीज मैं फाड़ छड़ी? कहिंदा मैं ते किसे बीबी नूं कपड़ा फाड़ के दे रहा सी, सारा दिन कपड़े विचारा बेचदा सी। कहिंदा किसे बीबी ने कपड़ा मंगया सी ते मैं फाड़ के दे रहा सी, इह नहीं पता मैं अपनी कमीज ही फाड़ा। उसे ख्यालां च किधरे सौं गया सी, दिन भर जो वेचदा सी कपड़ा उही ख्याल लैके सौं गया। ऐसे वास्ते सानूं हुक्म है कि दिन भर जिहड़ी किरत कीती है वह ख्याल लैके ना सौ। रहराज साहब का पाठ है, कीर्तन सुहेले दे गीत ने, और शाम दे वक्त गुरु अस्थान दे इतिहासिक साखियां ने, यह सब कुछ इस वास्ते ने कि साडी नींद पवित्र हो सके। जिंदगी का एक तीजा हिस्सा क्यों व्यर्थ जावे, क्यों बर्बाद जावे।
ਕਿ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੜ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਆਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੜ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟੇ ਬੀਜ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡੋਲੇ ਸਨ ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਬੀਜ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਇਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੰਗਾ ਫੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਣਾ ਇਹ ਜੀਵਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵਣਾ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਣਾ ਇਹ ਜੀਵਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਓਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬੁਲਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਪਏ, ਪ੍ਰਥਮ ਆਗਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ, ਫਰਖਾਬਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਨਾਰਸ। ਔਰ ਬਨਾਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਹੋਤਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਅਰਸਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਤੋਂ ਮਨ ਵਿਆਕੁਲ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਬਿਜਾਣ ਦਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ। ਦਿਨ ਭਰ ਇਸੇ ਉਡੀਕ ਦੇ ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੋ ਬੜੇ ਬੇਚੈਨ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਦ ਲਾਗੇ ਮਸਤਕ ਚਰਨ ਰਜ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਈਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਸਵਈਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਵਈਏ ਨੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਭੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਦ ਲਾਗੇ ਮਸਤਕ ਚਰਨ ਰਜ, ਦਰਸ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਗਨ ਕਬ ਦੇਖੋ। ਐ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
कब कब करो डंडौत बंदना पगन परकरमाद पुनरेखो। ओ दिन कदों आवेगा जद मैं चरना ते डंडौत बंदना करांगा। अमृत बचन सुनो कब सरवनं कब रसना बेनती दिसेखो। ओ दिहाड़ा कदों नसीब होवेगा ऐ मेरे कन थोड़े अमृतमय बचन सुनन गए और मेरी ये छोटी जी रचना बेनती ते जोदड़ी करेगी आप सुनोगे। ओ दिहाड़ा कदी आवेगा के नहीं ते सोईया लिख के भेजे। कदन मुद्दत लंघ गई साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज की तरफों कोई जवाब नहीं आया। एक दिन गंगा दे तट ते बैठे बड़े उदास बड़े उपराम ख्याल आया कि वापस परती है पर गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का बार बार हुक्म चेते आया जिन्ने चिर तक बुलाइए ना वापस नहीं आना साढ़े संदेशे तो बिना वापस नहीं आना। पुराने सिंगा ने किस किस ढंग दिया घालना घालनिया ने आप देख के दंग रह जाओगे बचन दी पालना। खैर बड़े उदास ते उपराम बैठे भाई साहब दे नाल जो सेवक सन ते कुछ सेवादार ते पतवंते सज्जन सन जो आप तो विद्या भी पढ़ते सन उन्होंने पूछ लिया भाई जी अज आप दी व्याकुलता साथों देखी नहीं जाती इन्ने बेचैन हो तुसी ब्रह्म ज्ञाने तुसी अठे पैर गुरबाणी दे रस विच रहण वाले इन्ने दुख इन्ने विपता चेहरे ते इतनी व्याकुलता इतनी बेचैनी इतनी परेशानी और चेहरा अकाशी दस देंदा अख दस देंदी है मनुख अंदरों दुखी है भावे हो तो मुस्कुरान पै अख दस देंदी भावे मुंह नाल बंदा मुस्कुरावे ते आखे जी आया नूं अखां दस देंदियां ने भई ये बड़ा औखा होया अखां दस देंदियां ने इहदे च नफरत प्रगट हो रही है। असली गल ते अख है अख नहीं छुपा सकदी बाकी कुछ है मनुख छुपा लेगा पर अखां दस देंदियां। भाई साहब दियां यह बेचैन नजरां वेख के नाल दे साथियां ने पूछ लिया सेवादारां ने पूछ लिया भाई जी गल की है। तो कुदरती गल है शायर ने कवि ने और कविता रोम रोम दे समाई हुई है आप कहंदे ने याही मस्तक देख रीझत को प्राण पत हाथ अपने बनाए तिलक दिखावते। एकाग्रता बख्शने भाई साहब कहने ये जड़ा मेरा मस्तक है बड़ा महान है भाई क्यों कहने ने इस मत्थे नू वेख के गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज हस पेंदे सन मैनू वेखदे ही हस पेंदे सन मैं उन्हां दी मुस्कुराहट का कारण बनया होया सी मैं उन्हां दे खेड़े का कारण बनया होया सी। या ही मस्तक देख ऐ मत्था कोई मामूली नहीं ऐवें नहीं है इस मत्थे च कोई खूबी है इस मत्थे च कोई गल है। या ही मस्तक देख रीझत को प्राण पत हाथ अपने बनाए तिलक दिखावते या ही मस्तक धार हस्त कमल प्रे प्रेम कथा कह कह मानन मनावते। भाई साहब कहने ने इस मस्तक देते गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का जड़ा कमल वर्गा हथ है कई दफा पे है असीस वजो ये मत्था मामूली नहीं इस मत्थे ने कुछ भागा भरे हथ का स्पर्श किया तो उसका जिक्र पै कर देन भाई साहब। याही मस्तक धार हस्त कमल परे कमल वर्गे जिसके हथ ने जेदे हखा हथां विच कोई बरकत है कोई गल है उन्हा हथां ने मेरे मस्तक नूं कई दफा छोया कई दफा असीस दित्ती है। और जे मैं किधरे ईश्वर दे मार्ग तो थोड़ा जिहा भुला तो प्रेम कथा कह कह मानन मनावते। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज रब्बी प्यार दियां गल्लां करके मेरे सुक्के हिरदे नूं फिर हरा कर देंदे सन फिर गल बना देंदे सन। याही मस्तक देख नाही नाही कर भागती थी धाए धाए हेत कर उरहे लगावते।
भाई साहब इथे कमाल कर दे, कहिंदे मैं किसी सेवा च रुझिया हुंदा सी, किसी खास विशेष सेवा विच, ते गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज आवाज मार बैठदे सन, भाई जी इधर आयो। ते भाई साहब कहिंदे मैनूं इन्ना माण हो गया सी गुरु ते, मैं कह देंदा सी सतगुरु ठहर जा कम करके आवांगा, सेवा करके आवांगा, अजे ठहर जा। कहिंदे मेरी जरूरत ए हो गई सी, मेरी हिम्मत ए हो गई सी, सतगुरु दे प्यार दा सदका इन्ना लाड अंदरों छा पे। मैं साफ कह दिंदा सी सतगुरु अजे ठहर जाओ, मैं ए सेवा करके आवांगा, पर धाए धाए हेत कर उरहे लगाव ते, भाई साहब कहिंदे मैं ते ना कर छड़दा सी, गुरु हरगोबिंद साहब जी आप ही भज्जे आ जांदे सी, आप ही भज के मेरे कोल आ जांदे सी और गलवकड़ी च लै लैंदे सन, भावे मैं ना कर दिता सी भई अजे ठहर के आवांगा। कहिंदे मैनूं इह वी माण नसीब होया, याही मस्तक देख नाही नाही कर भागते थे, धाए धाए हेत कर उरहे लगावते, याही मस्तक देख धुन धुन पुन रोय उठो, सुपने हूं नाथ नाही दर्श दिखावते। मस्तक यही है, गंगा दिया पौड़ियां ते इस घाट देते पटक पटक के मैं रोना, सुपने च भी गल नहीं बनती, याही मस्तक मत्था हो ही है मेरा, कहते मस्तक ओही है मेरा, मैं ओही हां, दुनिया मेरी ओही है, पर वेखदिया वेखदिया बहुत कुछ बदल गया, बड़ा फर्क पै गया। और उस अवस्था का जिक्र पै कर देने, याही मस्तक देख धुन धुन पुन रोए उठो, ऐ मस्तक है जिदे उत्ते असीस दा मेर भरिया हथ पैंदा सी, इस मस्तक नू वेख के कोई खिड़ पैंदा सी, ऐसे मस्तक नू वेख के कोई नेड़े आ जांदा सी, गलवकड़ी च लै लैंदा सी, परमात्मा दे प्यार दीआं गल्लां चलदीआं सन। तो भाई साहब कहिंदे याही मस्तक देख, ऐसे मत्थे नू वेख के अज मैं जारो जार रो पैना कि गल सुपने च भी नहीं बनदी, क्या मेरे संस्कार इतने मैले हो गए, क्या अंदर कोई बीज नहीं रहा, गल सुपने च भी नहीं बनती, जागृत नहीं तो चलो ना सही, सुपने च भी नहीं। याही मस्तक देख धुन धुन पुन रोए उठो, सुपने हो नाथ नाही दर्श दिखावत। कहिंदे इस तरह की व्याकुलता की हालत लैके भाई साहब रात नू सौ गए, लेकिन बड़े बेचैनी नाल सुते, बड़ी व्याकुलता दे नाल दे सेवकां विद्यार्थियों ते सेवादारां नू तरस बड़ा आया भाई साहब की व्याकुलता से। पर गुरु हरगोबिंद साहब जी का किधरे हुक्म ना आता तो एकदम चल पैना सी भाई साहब ने, पर हुक्म बुलाइए ना नहीं आना। इसे ही तड़पणा दे सौ गए, कहने जब सवेरे उठे तो बड़े प्रसन्न चित, कोई चेहरे ते अजीब जी मस्ती, कोई खेड़ा, कोई दुनिया होर सी, मगनता सी, लौलीनता सी, नाल दे सिख देख के हैरान हो गए कि रात ते हुण दे जमीन आसमान दा अंतरा। पुछ बैठे भाई साहब की होया, बड़ा बेचैन वेख्या सी कल थानू, बड़ा बेहाल थानू वेख्या सी, मच्छी दी तरह तड़पदे आया थानू वेख्या सी, अज ते दुनिया ही कुछ होर हो गई। पता उत्थे भाई साहब की कहने ने, बड़ा कीमती सवैया उन्हां दा, सुपने चरित्र चित्र बन के बने बचित्र, पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए। भई ओ प्यारा पवन पवित्र साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज एक महान निर्मल पवित्र मूर्ति धारण करके आज मेरे सुपने च आए, बड़ी गल हो गई, बड़ी गल। सुपने चरित्र चित्र बन के बने बचित्र, पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए। कहिंदे हिरदे नूं ढारस दे दित्ती, कोई गल नहीं हुण ठीक है, समा लंघ जाएगा, हुण प्रचार करांगे। सतगुरु दा मिलन हो गया, सुपने दे मिलाप नूं इतनी प्रधानता भाई साहब ने दित्ती। और मैं इतनी अर्ज करदे हां, सिख जगत दा इतना वड्डा दार्शनिक ए फिलोसफर जे सुपने नूं इतनी वड्डी महानता देंदा है, तो कोई बच्चियां दी खेड ना समझनी,
पवित्र सुपने किसी महान पवित्र आत्मा नूं आंदे। चोरी यारी दे सुपने आंदे, दुराचार दे सुपने आंदे, ठगी दे सुपने आंदे, अंदर दुनिया भर दी गंदगी पई है। तो गुरबाणी की कोशिश है ऐ सिख, दो हिस्से तेरी जागृति दे और तीजा हिस्सा तेरे सोने दा। जिंदगी तो कीमती कुछ है नहीं और ये सुतियां ही व्यर्थ क्यों चली जाए, ये सुतियां ही बर्बाद क्यों चली जाए। और जे तू सुतियां भी कोई अनर्थ कीता उहदे संस्कार बनणगे, होर बनणगे, तू होर पत्ती चला जाएगा। क्योंकि शरीर की हालत दिमाग की हालत वैसी बन जाती है जो कुछ बंदा सुपने च करे। इस वास्ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दसम ग्रंथ के वाक ने आम सिख्या सुनाए जाते ने, निज नारी के संग ने हो तुम नीत बढ़ाइयो, पर नारी की सेज भूल सुपने होना जी। सुपना, सुपने देच भी दुराचार का चिंतन ना करी, सुपने देच भी तू शराब ना पीवी। कौन पीवेगा सुपने च? जिन्हें जागृत अवस्था च सोचा होगा पी लईए घुटकी बिगड़दा, पर समाज तो डरदा होवे, संसार तो डरदा होवे, भई लोकी नितनेमी प्रेमी कहिंदे ने, लोकी कहिंदे ने गुरुद्वारे जांदा, लोकी इही आखदे ने गुरु का सिख है, ते किस तरह पीवां, ते अंदर हुण पीण दी इच्छा होवेगा रात नूं सुपने च पीएगा, गल इको ही होगी, पी छड्डी उस भावे नहीं देखण मात्र जगत नूं पीती उहने ते पी लई, संसार ते बन गए, गल ते हो गई। वह जिहड़ी चितनी है और दिन भर बंदे ने सिमरन कीता है, अंदर लगन सी, व्याकुलता सी, तड़प सी, ए गुरु तेरा मिलन होवे, ए प्रभु तेरा रस मिले, नहीं गल बनी तो परमात्मा ने एक इंतजाम कर रखे है, रात नूं सुपने च गल बनती। और कबीर कहिंदे ने पूजन योग है वह बंदा जिसनों रात नूं ऐसे सुपने आ जिहदी रसना तो वाहिगुरु निकल जाए। कहिंदे ने इस तरह के सुपने रोज बाबा अतर सिंह मस्तों आने वाले नूं आउंदे सन। रात नूं उच्चा उच्चा बहुत उच्ची उच्ची आवाज दे सतनाम सतनाम कहण लग पैंदे सन, हालांकि सुते पए हुंदे सन। और कई दफा सेवादारां नूं जगाना पिया, भई बाबा जी कोई डर गए हो, गल की है इतनी उच्चा इन्ना शोर। फिर नाल दे सेवादारां ते नाराज हो पैंदे सन, भई तुसीं ते मेरी बनदी होई गल बिगाड़ छड्डी, मैनूं सौण देंदे, मैनू ते अज साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दर्शन दे रहे सन सुपने दे च। और सुपने दे च जिसनू कोई झलक मिलती है गुरु की, अकाल पुरख की, परमात्मा की, किसी भगत की, समझ लो उसका तालमेल बैठ गया, कुछ गल है, एवें नहीं इतनी महस कर देना, इसनों एवें बच्चों की गल समझ के ना छड़ना। और हजारा मनुखा च कभी एक कद नूं यह सुपना आंदा, एक कद हजारा मनुख, हजारा बंदियां दे च। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज उसे ही सुपने का जिक्र वडहंस राग दे इस पावन शब्द करते हैं, मोरी रुण झुण लाया भैने सावन आया, उस परिपूर्ण परमात्मा की झलक जो सुपने च वेखी उसका जिक्र कर दे। तेरे मुंद कटारे देव जेवड़ा तिन लोभी लोभ लगाया, तेरे दर्शन विटों खनिए वजा तेरे नाम विटों कुर्बानो, जा तू ता मैं मान किया है तुद बिन कहा मेरा मान। वेख्या किथे है सतगुरु स्पष्ट कर दे। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जिस झलक का जिक्र किया है, सतगुरु सारिया नु बख्शिश करे। ऐथे समाप्ति, भुल चुक लई खिमा दी याचना। वाहिगुरु जी का खालसा।